चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि आज जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, टीम 9 के साथ बैठक भी करेंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में लोधी समाज के लोगों को संबोधित करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे जिला समाज कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हुआ है अधिकारियों का चयन। कार्यक्रम में मंत्री रमापति शास्त्री, नंद गोपाल नंदी, मोहसिन रजा मौजूद रहेंगे। तो आज कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो शेड्यूल है काफी बिजी रहने वाला है। और ये जानकारी आपको दे रहे हैं महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ रहने वाले हैं, ये जानकारी आपके सामने। तो आज जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद टीम 9 के साथ वो बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे सीएम योगी। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में लोधी समाज के लोगों को संबोधित भी करेंगे। अवनीश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का शेड्यूल जो है काफी बिजी रहने वाला है और खासतौर पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, संबोधित करेंगे वहां पर लोगों को। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उसके बाद उनकी टीम 9 की बैठक चल रही है और इस बैठक को पूरा करने के बाद ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे, जहां पे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और ये लोधी समाज का सम्मेलन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का एक अच्छा वर्चस्व होता है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में लोधी समाज का ज्यादा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पाले में आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सफलता का लक्ष्य रखा गया है वो पूरा किया जा सकता है। और इसी को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंच पे होंगे और वो लोधी समाज को संबोधित करेंगे और लोधी समाज के लिए कितना कुछ काम हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले दिनों ही जब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आगे आगे रहे और उनके सभी कार्यक्रम में वो खुद व्यवस्थापक के रूप में आगे आए। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस व्यवस्था के दौरान भी उन्होंने लोधी समाज को साधने का काम किया। उसके बाद जब लोधी समाज का वो संबोधन करेंगे तब स्वाभाविक सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का करना नहीं भूलेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि लोधी समाज का मेरठ और आगरा के तरफ एक अच्छा खासा वर्चस्व होता है, अलीगढ़ में वर्चस्व अच्छा है, तो अगर उनका वोट बैंक आता है तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी हद तक सफलता हाथ लग सकती है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे 5 कालीदास अपने सरकारी आवास पे जाएंगे, जहां पे लोक सेवा आयोग की तरफ से जो चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं और जिला अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। और इस दौरान तमाम मंत्री भी वहां पे मौजूद रहेंगे और इन सभी अभ्यर्थियों को अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है उसके बारे में बताएंगे। अब वो बताएंगे कि किस तरीके से 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने नौकरी सृजित किया और उस नौकरी को देने का भी काम किया है। तो तमाम भी जो विभाग थे, अलग अलग जो खाली पद थे, उन पदों को बुलाया गया, फिर चयन आयोग को भेजा गया। आयोग भेजने के बाद उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू कराई गई थी और उसी का नतीजा जा है कि एक के बाद एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और इसके जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अवनीश देखा ये जा रहा है कुल मिलाकर समाज में हर वर्ग के कल्याण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह के कार्यक्रम रख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो लोधी समाज के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि एक तरीके से बहुत ज़रूरी हो जाता है विधानसभा चुनाव को लेकर भी, चुनाव करीब है, हर समाज के लोगों को साधा जाए, क्योंकि तमाम पार्टियाँ ये करती हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में अगर ये ना हो तो फिर चुनाव ही यहाँ पर पूरे नहीं माने जाते।
जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को साधना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 30 से 32 फीसदी भी वोट अगर किसी पार्टी को मिलता है तो वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से सीधे 50 फीसदी वोट बैंक अपने पाले में लाने का लक्ष्य रखा है और उसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंच पर लोगों से अपील कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है और इसी का नतीजा है कि सामाजिक सम्मेलनों का दौर शुरू हो चुका है और अलग अलग वर्गों के दौर जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह पहुंच रहे हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगर उनके अच्छे खासे वोट अगर उनके पाले में जाता है जो 50% का वोट बैंक है वह अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आता है तो जो 350 सीटों का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सकता है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है और विपक्ष को एक बार फिर से कमजोर किया जा सकता है। बिल्कुल अवनीश, यही टारगेट है, यही फार्मूला है और इसी फार्मूले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और अच्छी बात ये है अवनीश, इस बीच की रणनीति तो पूरी हो ही रही है लेकिन साथ साथ विकास भी हो रहा है, विकास के कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। बने रहिए आप अवनीश हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।